हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिकेसी सेंटर में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो रेवेन्यू का पार्ट थर्ड, और ये बेसिकली क्या होगा, इस वीडियो का मतलब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। और इससे पहले कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले क्या करिए, उस टॉपिक को जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, देन इस पार्ट पे जंप करिए। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने कुछ मतलब आपको रिलेशंस बताया था, और फिर मैंने कुछ वहाँ पर एक क्वेश्चन को जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो हमारा AR होता है क्या वो प्राइस के इक्वल होता है, ये सारे क्वेश्चंस को हमने वहाँ पर सॉल्व किया था। तो फाइनली इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, इसमें हमें 2 से 3 टॉपिक को कवर करना है। वो क्या है कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो रिलेशंस होते हैं दो अप्रोच से पढ़ने थे। पहला क्या था कि जब प्राइस क्या हो, प्राइस विल बी कॉन्स्टेंट और प्राइस विल नॉट कॉन्स्टेंट, मतलब जब प्राइस स्थिर हो, जब कीमत स्थिर हो, और दूसरा क्या, जब प्राइस स्थिर ना हो। तो वहाँ पर जब हमने देखा था, लेकिन जो हमने फर्स्ट अप्रोच को देखा था उसमें भी 2 कैटेगरी पढ़ी थी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो हमने पढ़ा था वहाँ पर भी 2 कैटेगरी थी। पहला क्या था, AR और MR के रूप में, दूसरा क्या था, AR और इज़ टू TR के रूप में। तो सेम एज इट इज़, अब हमें क्या करना है, इस वीडियो में हमें देखना है कि जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या करना है कि उस केस में भी हमें दो टॉपिक्स को देखना होगा। और ये क्या कहलाएगा आपका, मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहलाएगा ये, अपूर्ण प्रतियोगिता। ये क्या होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो यहाँ पर भी हमें 2 अप्रोच को देखना है, पहला क्या है AR और MR को, दूसरा क्या है AR और TR को। तो करना क्या, यहाँ पर हमने जैसे कि टेबल ले रखी है, तो टेबल आपकी जैसे यहाँ पर देखो क्वांटिटी कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 तक, और जो प्राइस है, प्राइस क्या है यहाँ पर, नॉट बी कॉन्स्टेंट, मतलब प्राइस क्या होगी, स्थिर नहीं होगी। तो हमारी यहाँ पर प्राइस देखिए क्या, 1, 3, 2, 3, 4, 5, तो प्राइस क्या है, चेंजेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें TR निकालना, तो TR का फॉर्मूला कैसे होता है, पी इंटू में क्यू। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया पी इंटू, मतलब अगर इनको करेंगे क्वांटिटी कितना आएगा, 2, 3, 6 होगा, 3, 4, 12 और 4, 5, 20 और 5, 6, 30 आ गया। अब हमें MR निकालना है, तो सिंपल ही बात है कि MR निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है कि जो TR होगा TR2 माइनस में TR1, इससे कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, MR। तो देखिए पहले तो आपका डैश आएगा, अब जो TR2 में से तो आपका 0 जाएगा, तो कितना, 2, 6 में से 2 जाएगा 4, और 6, 12 में से 6 जाएगा 6, और 20 में से 12 जाएगा 8, और 30 में से 20 जाएगा कितना, 10 हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, AR। AR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा है TR इंटू में क्यू, ये AR निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर देखिए AR निकालने का फॉर्मूला होता है, तो हमने क्या, TR को क्वांटिटी से डिवाइड किया, पहले डैश हो गया, दूसरा 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 6 को 3 से 2 से करेंगे तो 3, और फिर उसके बाद हमने 12 को किससे किया, 3 से, तो कितना आ गया 4, और 20 को हमने किया 4 से, तो कितना 5, और 30 को 5 से, तो कितना 6 आ गया। अब हमें इसको करना है कि हमें पढ़ना है जो पहला AR और MR को एक डायग्राम पे प्लॉट करना है, किस पे, डायग्राम पे प्लॉट करना। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है कि अगर हम पहले बात करें AR और MR, AR की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम 0 क्वांटिटी में देखें क्या है, डैश, तो आप इसको डैश मान लो, उसके बाद कितना है 1 पे, तो 1 पे कितना है 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि 2 पे कितना है 3, 2 पे क्या हो जाएगा 3 इधर हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है, अगर देखा जाएगा 3 पे कितना है 4, 3 पे कितना है, और 3 पे अगर हम देखें यहाँ पर कितना है 4, तो 4 आपका इधर हो जाएगा, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या है कि आपका 5 पे कितना है, 4 पे कितना 5, तो 4 पे आपको ये 5 इधर हो जाएगा, और फिर 5 पे कितना है 6, तो 6 आपका इधर है। तो ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगी, ये डायग्राम है हमारा AR का, किसका है, AR का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो MR का मतलब देखो क्या है कि यहाँ पर 0 पे पहले डैश है, तो 1 पे कितना है 2, तो 1 पे आप देखोगे 1 पे कितना है 2 यहाँ से हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है 2 पे 4, तो 2 पे आपका ये 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है 3 पे 4 है, 3 पे अगर आप क्वांटिटी देखोगे 3, तो 3 पे कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा। और फिर अगर हम देखें उसका किसका क्या नाम है MR का, तो MR का मतलब देखो 4 पे कितना है, 4 पे मतलब कितना हो जाएगा, 4 पे कितना हो जाएगा, 4 पे कितना है 8, 4 पे अगर आप देखोगे तो कितना है 8 हो जाएगा, और फिर इस पर कितना है 10, तो यहाँ पर कितना है 18। तो ये मतलब आपका जो MR जो इसका डायग्राम जाएगा MR का कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोनों में क्या है, प्राइस के चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, अगर रिलेशन बताओगे तो प्राइस चेंज होने के कारण दोनों में क्या हो रहा है, दोनों के साथ क्या इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा किसका था, ये हमारा MR और AR का। अब इसी का हम डायग्राम में देखते हैं कि जो ये टॉपिक हमारा, इसमें हम देखते हैं कि AR और TR को कैसे प्लॉट करेंगे। तो AR और TR को लेना है यहाँ पर, तो हमारे जो टेबल होगी चेंज करनी पड़ेगी। तो TR का देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर आप कितने गैप ले लो 5 का, 5, 10, 15,
20, 25 और यहाँ पर ले लो 30। तो अब पहले अगर टी आर का बना दो, टी आर जीरो पे जीरो है, टी आर आपको क्या जीरो पे जीरो, फिर वन पे कितना है, वन पे टू, टी आर देखिए वन पे कितना है टू, तो वन पे कितना हो जाएगा टू इधर हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना है टू पे, टू पे सिक्स, टू पे सिक्स इधर हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना है थ्री पे कितना है, थ्री पे ट्वेल्व, थ्री पे ट्वेल्व आपका ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद कह रहा है फोर पे ट्वेंटी, फोर पे ट्वेंटी, और फिर उसके बाद कह रहा है कि फिफ्थ पे थर्टी, तो आपका ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि टी आर का जो डायग्राम है लगातार क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा टी आर का, और फिर उसके बाद कह रहा है कि हमें इसका देखना है ए आर का। तो जस्ट ए आर का डायग्राम आप देखिए कहाँ पर है, ए आर का मतलब टू ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है थ्री, तो इसका ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद कह रहा है कि फोर, अगर आप इसका यहाँ देखेंगे फोर हो जाएगा, और ये, और फिर उसके बाद आप मतलब फोर पे फाइव, तो फाइव आपका ही हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है सिक्स, सिक्स का आपका इधर हो जाएगा। तो ये कुछ इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार जाएगा, ये किसका डायग्राम हो गया, ये हो गया ए आर का। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है देखिए, लेकिन हमारा जो टी आर है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन और जो ए आर है क्या वो धीरे धीरे क्या हो रहा है इंक्रीज़, क्यों, क्योंकि ए आर का मतलब क्या होता है आपका एवरेज है। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स भी क्लियर होता है। अब हम देखेंगे फाइनली क्या है, जो हमारे एक क्वेश्चन जो कई बार आप लोगों से पूछा था पेपर में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राइस है वो आपकी कॉन्स्टेंट है। अब आप समझ जाइए कि जब प्राइस कॉन्स्टेंट होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो प्राइस किसके इक्वल होता है, हमने इसको सॉल्व किया था लास्ट की वीडियो में, तो प्राइस इक्वल जो होता है किसके ए आर के। तो यहाँ पर कहने का मतलब ए आर की वैल्यू क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी, कितनी 10 10 10 और 10 ये हो गया। अब कह रहे हैं कि आपको टी आर एम आर और क्या करना, टी आर और एम आर कैलकुलेट करना। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ा है, टी आर का मतलब क्या होता है कि टी आर इंटू में प्राइस इंटू में क्वांटिटी। अब देखो प्राइस क्वांटिटी तो फिक्स है, ठीक है क्वांटिटी है, लेकिन प्राइस आपका ये रहा, तो अगर आप टी आर निकालोगे 10 को इससे कितना आएगा आपका जीरो, और फिर एक जगह 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर 60 ये हो गया। और फिर एम आर की अगर आप देखेंगे तो एम आर क्या होता है, तो एम आर की वैल्यू अगर हम देखें टी आर निकालते तो इसका पहले डैश होएगा, अब टी आर टू कैसे निकलेगा आपका 10 में से आपका जाएगा तो कितना, अगर इसका 10 हो जाएगा फिर यहाँ पर कितना 10 10 और 10 और 10। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो प्राइस है वो क्या है, बिल्कुल प्राइस और मतलब ए आर और एम आर के एक दूसरे के मतलब यहाँ पर भी क्या है इक्वल है। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन था, और फाइनली क्या होता है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 10, और जो कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।